नमस्कार फ्रेंड्स, मैं परमार पंकज टेक्नोलॉजी टूल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्लिकर्स में रिजल्ट को एक्सपोर्ट करके डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किस प्रकार कर सकते हैं ये जानेंगे। अगर हम इस परिणाम का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, यानी कि प्रिंट निकालना चाहते हैं या तो फिर पीडीएफ के रूप में इस परिणाम को सेव करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ बाईं ओर जो ग्रेटर देन वाला बटन है, उस पर क्लिक करने से यह विभाग खुल जाएगा और जिसमें पसंद किए गए क्लास के लिए, पसंद की गई समय सीमा के लिए और यहाँ जिस प्रकार शॉर्टिंग किया हुआ होगा, उसी प्रकार का परिणाम हमें प्रिंट करने के लिए या फिर सेव एज पीडीएफ करने के लिए मिलेगा। उसके लिए यहाँ नीचे एक ऑप्शन है, प्रिंट रिपोर्ट्स फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करना है तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा और थोड़ी देर लोड होने के बाद हमें किस प्रकार की प्रिंट निकलेगी वह भी प्रीव्यू में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले तीन प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों को सबसे लेंथी लगे हैं, यानी कि उसके सही जवाब के प्रतिशत सबसे कम है। इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ डेस्टिनेशन में चेंज में जाकर आपको प्रिंटर पसंद करना है। जैसे कि यहाँ कैनन LBP प्रिंटर मैंने लगाया हुआ है तो उस पर क्लिक करूँगा तो उसी प्रकार का सेटिंग यहाँ दिखाई देगा। और आप अलग अलग प्रकार का सेटिंग्स, जैसे कि कितनी कॉपियाँ निकालनी है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट रख देता हूँ, और मोर सेटिंग्स में जाकर आप ज़्यादा सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पेजेस की, इस परिणाम की डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। अब हम आगे के पेज देखते हैं। पहले रोल नंबर के विद्यार्थी का नाम निखिल बगड़ा है, जिसका परिणाम आप इस प्रकार देख पाएंगे। दूसरे विद्यार्थी का नाम समीर बगड़ा है, जिसका भी परिणाम आप इस प्रकार देख पाएंगे। अगर विद्यार्थी ने गलत जवाब दिया होगा तो उसके आगे क्रॉस की निशानी आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं गलत जवाब दिया गया है मेंढक, जिसका सही जवाब है मछली। तो इस प्रकार आप हरेक विद्यार्थी के लिए इस प्रकार की प्रिंट निकाल के डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी प्रिंट नहीं निकालना चाहते हैं और इस पेज को PDF के रूप में सेव करके बाद में प्रिंट निकालना चाहते हैं, या सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ डेस्टिनेशन में चेंज में जाकर सेव एज PDF नाम का जो ऑप्शन है उसे पसंद कर लेना है। थोड़ी देर में लोडिंग होके नया प्रीव्यू दिखाई देगा और अब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स हमें इस फाइल को सेव करने का लोकेशन और उसका नाम क्या रखना है इसके लिए पूछेगा। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप लोकेशन रखता हूँ और इस फाइल का नाम प्लिकर्स स्कोर शीट 01 ऐसा रख देता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक करने से यह PDF फाइल सेव हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं यह फाइल सेव हुई है या नहीं। इसके लिए डेस्कटॉप पर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फाइल सेव हो चुकी है और अब मैं इसे ओपन करता हूँ। यह है वह फाइल जिसमें पहले तीन ऐसे प्रश्न जिसके सही जवाब के प्रतिशत सबसे कम है, आगे के पेज में क्रम के अनुसार विद्यार्थियों के ऐसे आंसर पेपर्स आपको मिलेंगे। यह समीर का परिणाम है और यह वही जवाबों के साथ का परिणाम है जिनके लिए विद्यार्थियों ने प्लिकर्स के कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार आप PDF के रूप में सेव करके बाद में भी प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इस परिणाम को हम एक्सेल फाइल या CSV फॉर्मेट की फाइल में सेव करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ बाईं ओर सबसे नीचे एक ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टू CSV। CSV का मतलब है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। उस पर क्लिक करने से फाइल का डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। आप देखिए यहाँ कंप्लीट भी हो गया है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। यह फाइल यहाँ है।
तो आपके परिणाम का इस प्रकार का डेटा भी आप प्राप्त कर सकते हैं और बाद में अपने तरीके से विश्लेषण करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग प्रश्न के लिए या फिर अलग अलग विद्यार्थी के परिणाम के लिए चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो इस .csv फॉर्मेट यानी कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट की फाइल पाकर ऐसा कर सकते हैं और अपने तरीके से विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हरेक वर्ग के अनुसार सभी विद्यार्थी के सभी प्रश्नों के दिए गए जवाब के अनुसार समग्र परिणाम प्रोग्रेसिव परिणाम यहाँ पा सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आशा रखता हूँ इन वीडियो की मदद से आप अपने क्लासरूम में अच्छी तरह से सभी विद्यार्थियों का लाइव मूल्यांकन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को हैप्पी पेपर क्लिकिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल पर फ्यूचर में अपने काम का कुछ मिल सकता है तो आप यहाँ के रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले बेल पर क्लिक करने से मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।